हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना फैक्सियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फीडबैक की डेथ के बारे में। और जो फीडबैक को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि फीडबैक बेंटन का एक एलियन है जिसमें बेंटन ओमनिट्रिक्स के जरिए ट्रांसफॉर्म होता है। तो सवाल ये है कि फीडबैक की डेथ हुई कैसे जबकि बेंटन जिंदा बच गया था। तो इसका जवाब देने से पहले आप एक बार वीडियो देख ली ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ क्या हुआ, क्या फीडबैक को तबाह कर दी। तो इसका रीजन जानने से पहले आप सब इन करेक्टर्स के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक के बारे में, जिसकी स्पीशीज का नाम है कंडक्टर और उसका होम वर्ल्ड है टेस्ला वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। फर्स्ट, एनहेंस स्ट्रेंथ, सेकंड, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, थर्ड, एनहेंस एग्रिलिटी, एनहेंस जंपिंग, फोर्थ, एनहेंस रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड। कुछ और एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने दुश्मनों के ऊपर शूट भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेसेस के बारे में। जो पहले नंबर पर वीकनेस वो आती है वो ये है कि इसे टाइम टू टाइम फायर के दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर सके। और दूसरे नंबर पर इसकी वीकनेस है वो ये है कि फीडबैक की अटैक्स जो है वो काम नहीं आएंगी अगर उसके सामने कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जो उसी तरह एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं बेंटन के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, जिसका नाम है मालवेयर। तो उसकी स्पीशीज है म्यूटेंट गैल्वनिक मेगामॉर्फ और उसका होम वर्ल्ड है गैल्वन बी। तो आइए अब बात करते हैं इसकी एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में। सबसे पहले जो पावर आती है वो है शेप शिफ्टिंग, और ये अपनी बॉडी को रीजनरेट भी कर सकता है। और उससे आगे देखा जाए तो इसके शार्प क्लोज हैं और स्पाइक्स भी हैं, और ये अपने दुश्मन के ऊपर एक बीम भी छोड़ सकता है जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और ये टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है अपग्रेड की तरह, और ये साइज को अपने बढ़ा कम भी कर सकता है। और बाकियों की तरह इसके पास भी एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस इंटेलिजेंस है। तो अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में। जो पहले नंबर वीकनेस आती है ये है कि इसे पेट्रोसेपियंस क्रिस्टल के अंदर ट्रैप भी किया जा सकता है। और दूसरे नंबर की वीकनेसेस के बारे में बात करें वो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के अटैक के सामने कमजोर पड़ जाता है। और चलिए तीसरी जो वीकनेस इसकी है उसके बारे में बात करते हैं, वो ये है कि अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करता है जिसकी वजह से इसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। तो आइए अब बात करते हैं ओमनिट्रिक्स के बारे में। काफी लोग इसके बारे में जानते हैं जो एनिमे को देखते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा डिवाइस है जो अपने यूजर को अलग अलग स्पीशीज के एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसमें भी उसका यूजर चाहे। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये डीएनए को ऑल्टर कर सकता है, मतलब उसे डीएनए को चेंज कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्रिएटर के बारे में, जिसने इसे बनाया, उसका नाम है एजमत, और जो खुद एक एलियन है, और उसकी स्पीशीज का नाम है गैल्वन, और होम वर्ल्ड है गैल्वन प्राइम, और इसे एनिमे में 5 गैलेक्सीज में सबसे ज्यादा स्मार्ट माना गया है। और ओमनिट्रिक्स में एक फेल सेव करके फीचर है जिसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखना और उसे बीच में स्किप मत करना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मालवेयर ने फीडबैक की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया। तो जो मालवेयर है वो टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है, और ओमनिट्रिक्स भी एक डिवाइस है, और उसने फीडबैक की चेस्ट पर बने ओमनिट्रिक्स के जरिए फीडबैक की बॉडी में जाकर उसके मॉलिक्यूल लेवल पर बेन और फीडबैक के डीएनए को अलग कर दिया, जिससे बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया, मगर फीडबैक का शरीर ऐसा रह गया क्योंकि ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हुआ ही नहीं था। और ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हुए बिना ही बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। और जब बेन फीडबैक से अलग हुआ तो फीडबैक के पास खुद का कोई दिमाग नहीं था, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और वो सिर्फ एक शरीर था, या कहें कि मालवेयर ने जिसे तबाह किया वो सिर्फ एक एलियन की स्पीशीज का डीएनए था। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। मगर एक सवाल आता है कि इन सब में बेन की बॉडी को, इतना सब होने के बाद भी बेन की बॉडी को कोई नुकसान हुआ क्यों नहीं? तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया है ओमनिट्रिक्स के फीचर्स के बारे में, तो जिस फीचर का नाम है फेल सेफ फीचर।
तो फेल सेफ फीचर का काम ये होता है कि वो अपनी यूजर की बॉडी को डैमेज होने से बचाता है जब भी उसका यूजर किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसी फीचर की वजह से बैन की बॉडी को कुछ नहीं हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ओमनिडिस्क के एक सीक्रेट फीचर के बारे में बताया है, तो अभी जाके उस वीडियो को देखें, लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और कमेंट करना ना भूलें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो तब तक के लिए सी यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।